वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दिस इज़ गज़ुलशी सुबह सुबह वही सेम रूटीन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं ये स्कूल का रास्ता है और बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल अब देखें क्या करते हैं वापसी की तरफ जा रहे हैं घर की तरफ जाएंगे फिर आ, चलें आज आपको थोड़ा सा मौसम दिखाते हैं पता नहीं पाकिस्तान में तो मौसम कैसा है मगर यहाँ पे मौसम ख़ासा चेंज हो गया है ये देखें जी हवा चल रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवा है और पत्ते हिल रहे हैं और ख़ज़ा का मौसम है यहाँ पे फॉल का मौसम है और पत्ते गिर रहे हैं और बड़ा मज़ेदार सा मौसम हो गया इस मज़ेदार से मौसम में हम पहुँच गए हैं जी वॉक करने वही पार्क में और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है शायद हल्की बारिश को यही कहते हैं ये देखें जी पार्किंग लॉट है और आज यहाँ पे मेरा ख़्याल है हमारे अलावा और कोई नहीं है बस हम हैं और हमारे साथ भी हम हैं <laughs> तो शुरू करते हैं जी अपनी वॉक ये ऑलमोस्ट वन किलोमीटर एक चक्कर लगता है इस पार्क में और हम यूजुअली दो या तीन डिपेंडिंग अगर हम गाड़ी पे आए हैं तो फिर हम तीन लगाते हैं और अगर हम पैदल आए हैं घर से क्योंकि बिल्कुल ही हमारे घर से फाइव चेन मिनट्स की वॉक पे है ये पार्क तो अगर हम पैदल आए तो फिर हम दो चक्कर लगाते हैं फिर हमारे थ्री किलोमीटर्स पूरे हो जाते हैं और बड़ा मजा आता है यहाँ पे आके सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा खा के बड़ा ब्रेन फ्रेश हो जाता है और थोड़ा हाई हलो भी हो जाती है लोगों के साथ यहाँ पे सुबह सुबह बड़ी आंटियाँ आई हुई होती हैं बच्चों को स्कूल में स्कूल में ड्रॉप ऑफ करके थोड़ी बूढ़ी खवातन भी आई होती हैं अभी देखें ये मैं हूँ और ये मेरे मियाँ हैं आज और आज मैंने साथ अपना हैंड बैग भी लटकाया हुआ है क्योंकि इसके बाद मैंने सोचा है कि थोड़ी सी कहीं शॉपिंग की जाए कुछ ख़रीदा ख़रीदारी की जाए और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है ओह माय गॉड कितना प्यारा व्यू है पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और इतनी तेज़ हवा थी कि अगर कोई कमज़ोर सी खातून होती तो वो यहाँ पे उड़ जाती <laughs> और मैं अपने हस्बैंड से ये मज़ाक कर रही थी कि मैं नहीं उड़ी मगर अगर कोई और होता तो वो यहाँ से यकीन उड़ जाता और ये आप ये मेरा बड़ा फेवरेट स्पॉट है यहाँ से क्योंकि हमारे वॉक का शुरू ही यहाँ से होती है ये पार्किंग से यहाँ की एंट्रेंस है और यहाँ से हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं सामने मैंने आपको बताया है वहाँ पे कोर्ट भी है यहाँ पे लोग बैडमिंटन भी खेलते हैं अच्छा मैं वैसे अक्सर प्लान करती हूँ कि यहाँ पर कभी शाम को आया जाए और यहाँ पर बैडमिंटन वगैरह खेली जाए अगर देखें कब मेरे प्लान्स पूरे होते हैं अच्छा यहाँ पे लोग अपने डॉग्स को भी बहुत लेकर आए हुए होते हैं इसलिए जगह जगह आपको यहाँ पे लिटर पड़ा हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे इलीगल है अगर आप डॉग को वॉक कराने के लिए कहीं पर भी, भी बाहर निकलें एनी तो आपने लाजमी उनका जो भी लिटर है उसको आपने उसको आपने लाजमी तौर पर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ़ करना है अच्छा जी अब यहाँ से हम निकले हैं थोड़ा सा यहाँ पे काम था अब हम यहाँ आ गए पार्किंग में वेट कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का वो जैसे ही आएंगे फिर हम यहाँ से निकल के जाएंगे एम एन एस फूड हॉल वहाँ से करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग और थोड़ी सी आपको भी दिखाते हैं वहाँ की शॉपिंग चलें जी अब आए चलते हैं एम एन एस ओह पह गए हम मार्क्स एंड स्पेंसर्स फूड हॉल ये बड़ा ही मेरा फेवरेट शॉपिंग एरिया है और ये देख सकते हैं आप अगेन यहाँ पे कितनी हेलोवीन की चीज़ें और वो आपको सामने वो नीचे पिगीज़ भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें मेरे बच्चे यकी पिगीज़ कहते हैं ऑब्वियसली छोटे छोटे बच्चों को छोटे होते से ही आपको सिखाना पड़ता है कि ये हलाल नहीं है और हम ये नहीं खा सकते एक अजीब सी हेट्रेड सी उनके दिल में फॉर सम रीज़न डालनी पड़ती है ताकि वो ना पसंद करें एनी वोड़ें अब आप ये देखें क्रिसमस की भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं पेनेटोनी पड़ा है यहाँ का ओ ये तो मेरे फेवरेट बिस्किट्स आ गए ये कुकीज़ हैं एक्चुअली और इस दफ़ा स्पेशल ये लाइट हाउसेज हैं इनके अंदर बत्ती जलती है और कुकीज़ भी बहुत ही मजे के हैं और वो आ, हैं भी क्रिसमस की शेप के कोई प्रेजेंट बना हुआ है कोई छोटा सा क्रिसमस हाउस बना हुआ है और आप इसे ओ और ये आ गए जी ट्रफ़ल्स आ गए हैं कौन ट्रफ़ल्स और ये देखें ये वॉलनट हनी आ गया अच्छा मार्क्स एंड स्पेंसिस पे आपको लाजमी बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी जो आपको बाकी किसी स्टोर में नहीं मिलेंगी ना एजडा ना सेंसबरीज ना चेस्को मार्क्स एंड स्पेंसर और वेट रोज बहुत ही ज़बरदस्त हैं अच्छा ये आ गई हैं जी चॉकलेट्स वगैरह अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे अच्छा हमने एक ट्राई की थी ये आ गई ये मार्क्स एंड स्पेंसिस की टॉबले रोन है जिन लोगों को टॉबले रोन पसंद है वो लाजमी ये ट्राई करें उन्हें आई एम श्योर बड़ा मज़ा आएगा और हमने वाइट चॉकलेट वाली नहीं थी थोड़ी सी और भी शॉपिंग की थी वो आपको ज़रा घर चल के दिखाते हैं तो ये है जी हमारी शॉपिंग ये पीछे जो है ये क्रिसमस का पौधा है ये क्रिसमस पे आता है और ये वही लाइट वाले बिस्किट्स हैं जिनके यू you नो know, केस के अंदर बत्तियाँ जलती हैं और वो ले लिए हमने टॉप डेरून और फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा लिडल का सामान भी ये छोटा सा पौधा मैंने लिडल से लिया था आजकल मैं थोड़े से पौधे बड़े खरीद रही हूँ लेट्स सी कितना मैं उनको जिंदा रख पाती हूँ रख भी पाती हूँ या नहीं अच्छा जी अब यहाँ से फ़ारग होकर हम जाएंगे मेरे बेटे की पीटीसी पे और और शाम हो गई है पीटीसी से हम फारे हो गए अब थके हारे हम यहाँ से निकलेंगे और घर की तरफ चलेंगे और रास्ते में हमारे आ गया है जी कड़क चाय तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं थोड़ी सी पेट पूजा करने थोड़ी सी चाय पियेंगे थोड़ा सा साथ कुछ खाएंगे मैंने कहा आपको ज़रा रात को भी दिखाएँ ये कैसा लगता है और इसके साथ ही मैं आपको याद कराऊं आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और, और क्या होता है और लोगों को लोगों के साथ शेयर भी करें और मेरी तरफ़ से है अल्लाह हाफ़िज